बक्सर पुलिस ने सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के पिपरार गांव से दो युवकों को कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक किसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और उनके हाथ में हथियार है। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की और दोनों युवकों को धर दबोचा। युवकों के पास से एक कट्टा तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और अपनी दबंगई दिखाने के लिए कट्टा लेकर आए थे। एसपी ने क्या कुछ कहा सुनिए। ये कल सोनवर्षा ओपी अंतर्गत दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पे ये लोग देसी कट्टा और गोली लेके पहुँचे हुए थे। दोनों लड़कियों ने बताया कि ये वहाँ पे कार्यक्रम देखने गए थे और गोली और पिस्तौल लेके गए थे। इसके संबंध में अभी इन लोगों की तरह बताया नहीं गया कि क्या करने गए थे, पर कार्यक्रम के दौरान संभवतः फायरिंग वायरिंग करने के मंशा से ही गए थे वहाँ पे। दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कोई आपराधिक इतिहास अभी पूर्व का नहीं पाया गया है, लेकिन दोनों वहीं सोनवर्षा के पिपराण के हैं। उम्र लगभग 18-20 साल के लगभग लग रहे थे।